मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर के गोले के मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क इलाके के फैटी रोड पर अज्ञात महिला ने अपनी एक दिन की नवजात बच्ची को लावारिस हालत में फेंक दिया। कड़ाके की ठंड के चलते बच्ची की मौत हो गई। गुरुवार सुबह जब लोगों ने आवारा जानवरों को थैले में फेंकी गई एक दिन की नवजात की लाश के आसपास देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर इस बच्ची की लाश को बरामद कर लिया है। अभागी लाड़ों का गुरुवार को पोस्टमार्टम करने के बाद उसे दफना दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन यह पता नहीं चला है कि बच्ची को फेंकने वाली कलयुगी माँ कौन है और किन हालातों के चलते उसने अपने जिगर के टुकड़े को कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया था। फिलहाल पुलिस ने बच्ची की मौत पर मर्ग कायम कर लिया है और महिला की तलाश शुरू कर दी है। नवजात शिशु कोष्ठक में बच्ची की लाश जिसकी उम्र करीब एक दिन होगी, जो रात्रि में कोई अज्ञात महिला फैक्ट्री रोड पर टाल्स फैक्ट्री के पास दूसरी रोड के किनारे फेंक गई थी, जिसका लाश पंचनामा लेकर पीएम हेड भेजा गया है, मतलब कराया गया है। अज्ञात महिला की तलाश की जिसका अभी कोई पता नहीं चला है। वहाँ पर कोई सीसीटीवी वगैरह भी दिखा नहीं? कौन सी जगह है ये? फैक्ट्री रोड पिंटो पार्क। अच्छा,